जय हिंद साथियों, आज हम जानेंगे कि आबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर के बारे में पाकिस्तानी क्या सोच रखते हैं। आपको बता दें कि आबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है। स्वामी महाराज अप्रैल 1997 में यूएई के दौरे पर गए थे। उसी समय उन्होंने इच्छा जताई कि राजधानी में एक विशाल मंदिर होना चाहिए। आइए जानते हैं पाकिस्तानियों की सोच कैसी है हिंदू मंदिर को लेकर। सबसे पहले तो जो यूएई है एक इस्लामिक मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, तो वहाँ मुसलमानों को प्रमोट करना चाहिए क्यों, और वो हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, ये सरासर गलत कर रहे हैं। और जो वहाँ इंडियंस हैं उनको ज़्यादा रोज़गार दिए जा रहे हैं, जबकि जो पाकिस्तानी हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। मैंने वहाँ पर बन रहा मंदिर, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात? मेरे ख्याल इस्लामिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए ये चीज़। वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं हमारे मस्जिद पर आकर, जो दूसरे हमारे मजाहब हैं, तो नहीं होनी चाहिए इस तरह, परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। मतलब कि इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, देखें आए दिन कोई ना कोई मुसलमानों के साथ वो जुल्म कर रहे होते हैं, मस्जिदों को जला रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। आप फलस्तीन में देख लें, वहाँ पे क्या कर रहे हैं? फलस्तीन के अंदर कौन है? इस मुसलमान ही है वहाँ पर भी। फलस्तीन के अंदर कौन जुल्म कर रहा है? इसराइल कर रहा है, और कौन कर रहा है? सर वो हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदू है ना। हाँ हाँ, तो फलस्तीन के अंदर ज्यूइश है ना, यहूदी हैं, यहूदी हैं, वो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मतलब कि आप कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो नॉन मुस्लिम है वो मुसलमानों पर हावी है इस टाइम? हावी बिल्कुल ऐसा ही है, जुल्म के तहत हावी है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे, मुसलमान मजलूम है? बिल्कुल, इस वक्त तो मजलूम है, हर तरफ से दबाया जा रहा है उन्हें। वहाँ पर हिंदुओं की तादाद भी बहुत ज्यादा, इंडियन सारे जाकर यूं ही बच चुके हैं। अब इंडियन जो है वो नौकरी के फील्ड में तो है नहीं, नौकर बनकर नहीं रहते सर, वो लीड कर रहे हैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर लीड कर रहे हैं। आप सर यूएई के मजबूरी नहीं होगी कि वो बड़ा मंदिर बना रहे हैं, छोटा मंदिर भी नहीं, मंदिर के अलावा ये तो उन्होंने वहां पे बेसिकली है। देखा जाए तो अगर आप एज अ नेशन अगर आप यूएई को देखा जाए तो वो तो एक इस्लामिक स्टेट है, क्योंकि वो एक अरब स्टेट है, एक मिडिल ईस्ट में आती है वो, तो ऐसा करना तो नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उनको प्रेस करने के लिए या उनको रिस्पेक्ट देने के लिए या कुछ भी, जैसे आप बता रही हैं। तो एक उन्होंने मंदिर बनाया और खोल दिया, तो बाकी ये टू डिफरेंट चीजें हैं कि अगर आप इन द सेंस आप यूएई की तरफ से देखेंगे तो वो एक चीज गलत है, और अगर आप इन प्रेज ऑफ इंडिया देखेंगे तो उन्होंने उनका एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए ऐसे कुछ किया, तो इंडियंस के लिए तो बहुत अच्छी चीज होगी। अच्छा सर, इंडिया में ईद भी मनाई जाती है, होली भी खेली जाती है, तो आप मुझे ये बताएगा हमारी जो गल्फ कंट्रीज है, अगर मुस्लिम कंट्रीज की हम लोग बात करें इस वक्त, तो इंडिया की जानिब उनका रुझान बहुत ज्यादा है, जिसकी बरक्स पाकिस्तानी मीडिया ने ये कहा है कि इस वक्त हमें कोई पूछ नहीं रहा है, 75 सालों में हमने कुछ भी नहीं किया है, और इंडिया को जितनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं वो हम भी चाहते हैं हमें भी रिस्पेक्ट शो करें। मैडम देखें, ये एक वो मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा यानी कि मंदिर बना रहे हैं, ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। हम इस चीज़ को डिफेंड करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो इस्लामिक स्टेट है। क्या समझते हैं आपके हिंदुस्तान का कल्चर, इंडियंस का कल्चर, हिंदुओं का कल्चर सऊदीया जैसे और हमारे यूएई जैसे इस्लामिक कंट्री प्रमोट कर रही है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? लेकिन क्या वजह है कि यूएई एक मुस्लिम देश होते हुए भी हिंदू मंदिर बनवा रहा है, जबकि मुस्लिम तो धर्म के प्रति इतने कट्टर होते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को वो काफिर समझते हैं। आइए इसके पीछे छिपे हुए कारणों को जानते हैं। पहली बात तो यूएई एक मुस्लिम देश है, दूसरी बात वहां रेगिस्तान है। आपको पता है रेगिस्तान में ना तो पानी होता है, ना ही पेड़ पौधे होते हैं, और ना ही खेती होती है। और किसी देश को समृद्ध बनाने के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जबकि यूएई की अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर निर्भर है, क्योंकि आने वाले टाइम में कच्चे तेल का उपयोग नाम मात्र का हो जाएगा, क्योंकि सब चीजें इलेक्ट्रिक होती जा रही हैं। इसलिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए वहां की सरकार इस समस्या से निजात पाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है, जैसे कि कहीं हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं, कहीं जगह टूरिस्ट प्लेस बनाए जा रहे हैं। दूसरी बात, हिंदू को आसानी से जॉब मिल जाती है तथा हिंदू संस्कृति को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है और इससे वहां की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। और दुबई को इतना अच्छा बनाने में हिंदुओं का बहुत योगदान है, इसलिए दुबई को मिनी भारत कहा जाता है। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जा रहा है, उनको जॉब तक नहीं मिलती है, ना ही उनकी संस्कृति को प्रमोट किया जाता है, इसलिए पाकिस्तानी हिंदुओं से नफरत करते हैं। वीडियो में देख सकते हैं कैसे कट्टरपन हावी है इन पे, कितनी नफरत करते हैं हिंदुओं से। पर अबू धाबी की अगर बात करते हैं, यूएई की अगर बात करते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर,
स्वामी नारायण मंदिर वहां पर बन रहा है। 27 एकड़ पर मुश्तमिल है ये मंदिर। क्या कहेंगे, इससे पहले भी एक मंदिर की इनॉग्रेशन की गई और अब इस मंदिर की इनॉग्रेशन फरवरी 2024 में हो जाएगी। और एस्ट्रेय शंकर का एक बयान आता है कि भारत की संस्कृति पूरे वर्ल्ड में फैल रही है और पूरा वर्ल्ड आज हमारे लिए चल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, आपने एक चीज एडिशन नहीं किया निम्रा, दुनिया के बड़े इस्लामिक देश अबू धाबी में स्वामी नारायण की मंदिर की स्थापना रखी जा चुकी है। 90% मंदिर बिल्कुल तैयार हो चुका है। 2024 में उसका इनॉग्रेशन होगा और लास्ट 2019 की तरह बिल्कुल हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वहां पर रहेंगे। जिस तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर बिल्कुल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, डिजाइन्स को देख रहे हैं, वहां के आर्किटेक्चर्स को देख रहे हैं, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, दीवारों की नक्काशी को देख रहे हैं, जो जिस तरह से तराशी जा रही है उसको देख रहे हैं। और उसके बाद जब वो मंदिर का मंदिर बिल्कुल तैयार होगा तो उसके इनॉग्रेशन में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आज हिंदुस्तान नहीं, इस पूरे विश्व में, इस पूरे पूरी दुनिया में हिंदुओं की आइडियोलॉजी से लेकर के हिंदुओं के जो संस्कार हैं, सनातनी धर्म के की जो आस्था है, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनकी उनकी सभ्यता है, उसको हर कोई अपनी प्रेरणा में ले रहा है, उसको हर कोई मानता है। आप इंडोनेशिया देख लो ना, इंडोनेशिया की करेंसी में भगवान गणेश की पिक्चर आती है। इंडोनेशिया क्या है, सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, इस चीज से तो डिनाई ना पाकिस्तान कर सकता है, ना हिंदुस्तान के मुसलमान कर सकते हैं। तो इंडोनेशिया की करेंसी में शिव भगवान जी होते हैं। इंडोनेशिया की जो एयरलाइंस है वो गुरुदा, जो एक भगवान के नाम पर है। तो आज एक सिनारियो है कि सही से ये चीजें समझ में आ रही है कि इस्लामिक देश जो कभी 1950 में मंदिरों की स्थापना हुई थी, अब जाकर के 2023 में, 19 में, 18 में हमने देखा है कि इतने बड़े बड़े इस्लामिक देश जो है वो इतने बड़े बड़े मंदिरों के। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अंत में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।